मध्य प्रदेश के इंद्रावल मार्ग पर जल भराव की समस्या के निदान के लिए जल सत्याग्रह सातवें दिन भी जारी रहा, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी अभी तक कुंकी नींद में सो रहे हैं। आखिर इन लोगों की समस्या का समाधान कैसे होगा? जल सत्याग्रह कर आंदोलनकारियों ने ढोल बजाते हुए शासन प्रशासन को नींद से जगाने का प्रयास किया, लेकिन नायब तहसीलदार नेहा शाह बार बार ढोल बंद करवाती रही। इधर लगभग 3 घंटे की मशक्कत करने के बाद मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने आंदोलनकारियों को समझाकर नारियल फोड़कर पूर्व में खोदी गई नाली में ही दोबारा नाली खोदने का कार्य प्रारंभ कर दिया, लेकिन इस घटनाक्रम को जल सत्याग्रही पानी में ही बैठे बैठे देखते रहे। अधिकारियों के जाने के बाद भी आंदोलन जारी था। विभागीय अधिकारियों के अलावा कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे थे। इस दौरान पंच बालू मुनिया की तबीयत खराब हो गई, जिसे मार्ग पर भरे हुए जल में से ही 4 लोग घाट पर लिटाकर उपचार के लिए अस्पताल लेकर जा रहे हैं। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, जरा आप भी देखिए। प्रधानमंत्री वाला बिना आगे वो पहले और सब बुरा जरूर लगेगा, लेकिन सत्य बात बोलूंगा, सत्य बात है सर। एक बात हाँ, तो आप ये मान लो कि हम लोग नहीं करते हो, सही बात है, हमारे कहने की कोई मतलब ही नहीं रह गया। और दूसरा तरीका ये है कि ये मान लो कि शायद हम भी आप ही की तरह इंसान है, कोई ऊपर से नहीं करते हैं, हम भी गाँव के रहने वाले हैं, आप रहने वाले हो ना सर, आपके जैसे। इन ग्रामीणों का हाल प्रशासन के उदासीनता से भरे इस रवैये को देखते हुए ग्रामीण उन्हें कोस रहे हैं। आंदोलनकारियों ने कहा कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा जल आंदोलन जारी रहेगा। वहीं सड़क विकास निगम के अधिकारियों ने आंदोलनकर्ताओं को पानी से बाहर निकालकर पंचायत में बैठकर बात की, जिसे लोगों ने नकार दिया। ग्रामीणों को विभागीय कार्यवाही पर किसी भी स्थिति में भरोसा नहीं हो रहा है, मौके पर कार्य होते देखना चाहते हैं, इसी जदोजहद में निकारण नहीं हो पा रहा है। सड़क विकास निगम के 2 संभागीय प्रबंधकों राकेश जैन व पूनम काछवा ने बताया कि ग्रामीणों को समझाया है, उनके निदान के लिए नाली खोदकर प्रयास किया जा रहा है। आगामी मंगलवार से नाली निर्माण का कार्य प्रारंभ कर देंगे, सत्याग्रही बाहर नहीं निकले हैं। मानव अधिकार आयोग द्वारा लिए गए संज्ञान के मामले में कलेक्टर को नाली खोदने व पाइप के ब्लॉक खोलकर पानी निकासी की बात कही, गलत जानकारी नहीं दी। अभी जैसे 2 दिन पहले मुझे नहीं मालूम दुबे जी कॉम्पिटेंट थे कि नहीं इस बात को कहने के लिए, लेकिन आपसे कहा 3 दिन में चालू हो जाएगा। नहीं, नेहा शाह मैडम आए थे, कोशिश की है जेसीबी लगा के जो अस्थायी तरीके से जो मतलब कच्चा काम करके जितनी पानी की निकासी हो सकती थी उसको निकालने की कोशिश की है जेसीबी से, और नहीं समस्या हल करने का कदम तो उठाया जा चुका है। जैसे कि आप 3 दिन बता रहे हैं, 2 दिन पहले मैम आके 2 दिन बता गए थे, अब आप 3 दिन बता रहे हैं, आज भी तो काम चालू किया ना। जो आंदोलनकारी उनको पैरों में लगन लगना शुरू हो गया, बड़ा विनम्रता पूर्वक हमने उनसे निवेदन किया है कि वो हड़ताल बंद कर दें, काम हमने चालू कर दिया है, आज ही चालू कर दिया है, और जो पुलिया बनाने का काम है वो बिल्कुल 3 दिन के अंदर अच्छे से नहीं यार, ना तो अभी तक कोई पाइप आया है, ना सीमेंट आई है, ना सेंटिंग डाली है। 3 दिन कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ ताकि मटेरियल अच्छे से आ जाए। 2 दिन पहले भी 2 दिन पहले भी आश्वासन मिल चुका था सर, इसलिए 2 दिन पहले भी 2 दिन का आश्वासन मिला था। विश्वास रखिए सर, आपके किस महीने पहले आंदोलनकालियों ने आपको आवेदन दिया था, उसमें आपने क्या कार्रवाई की? उसमें ये कार्रवाई की कि इसका जो प्रॉब्लम थी उसको अध्ययन किया है कि इसको कैसे करें, क्योंकि 3 डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन भी है इसमें, 3 डिपार्टमेंट के लोग हैं, तो नाली भी बननी है, एक नाली इस तरह की है कि जो PMGSY की सड़क को कवर करेगी, कुछ नाली का पोर्शन ऐसा है जो PWD की सड़क को कवर करेगा, है ना, कुछ पोर्शन ऐसा है नाली का जो MPRDC की सड़क को करेगा, तो लेवल लिए हैं, उनकी सड़कों को देखा है, उसके हिसाब से क्या कार्य योजना होना चाहिए उस पर विचार किया। इसमें 2-3 दिन का समय लगा है सर, जैसे आज 6 दिन हो चुके हैं, अपने लेवल पर कोई ऐसा विलंब नहीं किया। आज 7 दिन हो चुके हैं, जैसे आप 7 दिन में आ जा रहे हैं, तो 7 दिन पहले आपको खबर नहीं हुई थी क्या, आज किसके निर्देश पर आए आप? नहीं मैडम, इसकी मैडम लगातार आई हैं, पूनम मैडम, और उन्होंने देखा है और उसका अध्ययन किया है। सर आप बोल रहे हैं मैडम आए थे, मतलब जो भी आंदोलन कर रहे थे, किसी से भी बात नहीं, मैडम से सर्वे करके जो SDO है, रोड के इंचार्ज हैं आशीष पटेल जी, वो भी आए हैं,
सर अभी जो आप बता रहे हैं कि दो तीन दिन बाद काम स्टार्ट होगा, तो क्या बनेगा उसमें? अभी काम आज से ही स्टार्ट कर दिया है, दो तीन दिन के अंदर, मैं तीन दिन के अंदर कर रहा हूँ, पुलिया का काम स्टार्ट हो गया, मटेरियल स्टॉक करके पुलिया का काम स्टार्ट कर रहा हूँ। काम तो आज पानी निकासी का काम तो आज से ही चालू कर दिया हमने। आपने आज निरीक्षण करा तो जहाँ जल सत्याग्रह हो रहा है वहाँ जल भराव की स्थिति आपने देखी क्या निरीक्षण में? बिल्कुल देखिए, इवन ट्रैक्टर से बैठ के आगे जो तालाबों का जहाँ पानी आ रहा है, खेतों का पानी आ रहा है, वो भी देखा है। हमने पूरी संवेदनशीलता से देखने का कोशिश की है, ऐसा नहीं है, हम ये पूरा जो आपकी समस्या है उसको समझने की और उसको निपटाने की कोशिश में है। पानी रुका हुआ है और जब मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर से इस मामले में संज्ञान लिया था तो कलेक्टर को एमपीआरडी से ने यह जवाब दिया कि हमने वहाँ स्थायी समाधान कर दिया। अब इसकी जानकारी मेरे को नहीं है, इसलिए इसमें अभी सर अभी मैडम ने पत्र व्यवहार कराया। वो दोनों पाइप की जो पुलिया मतलब पाइप था उसके मुंह बंद थे, पूरे चोक थे, तो हमने उस टाइम पूरे मुंह खुलवा दिए थे और वहां पर पानी पूरा उसमें से फ्लो हो रहा था और पूरा खाली हुआ था। ये इसलिए हम लोगों ने ऐसा कमिटमेंट किया था और ऐसा हमने पत्र में लिख कर दिया है। बट चूंकि अब क्या है, अब इतना ज्यादा पानी भरा होता और इतनी ज्यादा इंटेंसिटी से बारिश हुई है, हम लोग पीछे पे पूरा देख के आए हैं, आपका जो तालाब है वो तालाब भी पूरा ओवरफ्लो चल रहा है, मतलब उस तालाब में उस मैदान तक में पानी की रुकने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी। तो ऐसी स्थिति में और पानी का लोड आना स्वाभाविक है और उस पानी का जितना लोड आएगा वो 600 एमएम का डाया उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, इसलिए हमने अगेन उसके ऊपर सर्वे किया है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमको ज्यादा डाया का हमको उस पर कलवर्ट देना पड़ेगी और हमको पाइपलाइन उस पर देना पड़ेगा। अपन पाइप के दोनों मुंह पे ब्लॉक होना बता रहे हैं जी। पत्र व्यवहार में अपन ने नाली खोद कर निकासी करना बताया, दोनों है ना, उसका नाली भी उसको खोदी और उसको भी उस मेंटेन किया ना, एक चीज से थोड़ी ना होता है। कई बार वहाँ से भी खोद के हमने नाली से कोशिश करी थी, आगे का वहाँ का भी पानी बरी है जो आज हम खुदवाने की उसमें कोशिश कर रहे थे चूंकि, पर वो ब्रेकर से अभी नहीं टूटा, ब्रेकर था नहीं हमारे पास, जेसीबी से नहीं टूटा। JBD Banquets lie here, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden, world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।